अरे तो न्यूज हमारी चल रही थी, रिकॉर्ड करना था तुम्हारा एक्टिव था, अपने चल रही है मुझे बोली भैया नहीं चल रही, देख ना थोड़ी सा हो रहा था ना रिसीव करते नमस्कार, आप देखें आज की खास खबर पुलिस पाठक के साथ। आज का मुद्दा है वन भूमि के परवीन सौदागरों का, माफियाओं के बुलंद हौसले और दादागिरी से जुड़ा है और इस सबके बाद भी कन्नी काटते अफसरों की करतूत भी सामने आ रही। चलिए मिलते हैं जमीन के सौदागरों। भूमि के लिहाज से मध्य प्रदेश देश में खासा मुकाम रखता है और उमरिया जिले की जहाँ की आज हम बात करें, वहाँ का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास का पूरा इलाका वन भूमि से आच्छादित है। उमरिया जिले की हम बात करें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और उसके नजदीक का जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं वन भूमि से आच्छादित है, लेकिन इसी वन भूमि के ऊपर कुछ ऐसे माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, कुछ ऐसी साठगांठ सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं इस पूरे गोरख धंधे को उजागर करती है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यही है कि कहीं ना कहीं ये सौदागर इस वन भूमि के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं, जिसको बचाने के लिए और जिसको बढ़ाने के लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चिंता की जा रही है। वनों को और किस तरह से विस्तीर्ण की जाए, वन भूमि में कैसे दिनों दिन इजाफा किया जाए, इसको लेकर तरह तरह के प्लान और करोड़ों का बजट हर सरकार खर्च करती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी जागृति लाने के मकसद से कई सारे काम किए जा रहे हैं और लगातार इसका बजट साल दर साल बढ़ाने पर विचार हो रहा है। जरूरी भी है क्योंकि वन संपदा का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में शुरू से कह रहे हैं, ऐसा संपदा का हिस्सा है कि कहीं ना कहीं उसके बिना उन्नति का या विकास का सपना देखना बेमानी। लेकिन जमीन के सौदागरों की बात अक्सर सामने आने पर वन भूमि को उससे अलग ही रखा जाता है, पर यहाँ जहाँ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जमीन के ऐसे सौदागर सामने आए जो वन भूमि को भी पक्ष में है। उमरिया की बात कर रहे हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का पूरा इलाका जहां पर जमीन के सौदागर हैं, जिन्होंने जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर खास चर्चा हो रही। खास बात यह कि जमीन के पूरे सौदे को जाली दस्तावेजों के सहारे अंजाम दिया जाए। इस मामले में कथित भूस्वामी से लेकर आला अफसर तक सबकी भूमिका संदेह की है। दिल्ली के विकासशील अपार्टमेंट के सेक्टर 13 में रहने वाले पूंजीपति विकास जैन का इस आदिवासी बाहुल्य इलाके में जमीन खरीदने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये समझ के परे है। लेकिन जिस तरीके से 19 रजिस्ट्री के जरिए एकड़ जमीन खरीदी गई, उसकी सच्चाई आपको जरूर जाननी चाहिए। 5 फरवरी 2010 को पंजीयक कार्यालय उमरिया में कराई गई रजिस्ट्री में दर्ज जमीन पूरी तरह से दर्ज की है, यानी बिक्री में उपयोग किए गए भू अधिकार पत्र और पंचशाला खसरा नकली है। वास्तव में जिन नंबरों के इस्तेमाल से ये खरीद फरोख्त हुई है वो वन भूमि है और इसका रकबा उतना नहीं है जितना कि बताया गया है, यानी कागजी जमीन की खरीदी बिक्री। इन रजिस्ट्रियों में खरीदार की जगह 3 नाम है जो एक ही परिवार के हैं। पूंजीपति विकास जैन का परिवार, विक्रेताओं में 19 नाम है, ये विक्रेता विजौरी भरूला और रामपुर बघेलान के हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं वो खतरा नंबर भी किसी दूसरी जमीन के ही हैं। इन नंबरों पर मिलने वाले रिकॉर्ड वन भूमि के हैं। एक और खास बात की विकास जैन ने ये जमीन बिना किसी के सामने उपस्थित हुए खरीद ली। आंकड़ों की पानगी समझी जा सकती है कि सैकड़ों एकड़ जमीन लापरवाह अधिकारियों, स्वार्थी दलालों और छोटे हुए प्रशासन की नाक के नीचे कितनी आसानी से खरीदी जा सकती है। सीमा से लगी यह वही जमीन है जिसे जमीन के सौदागरों ने दिल्ली के एक पूंजीपति विकास जैन को करोड़ों रुपए में बेचा है। खास बात यह है कि इस जमीन के रकबे में खासा गोलमाल किया गया है। वास्तविक जमीन और कागजी जमीन में काफी अंतर है। बहरहाल मामले की जांच शुरू है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस समय यह खेल खेला जा रहा था उस दौरान वन और राजस्व के अधिकारी क्या कर रहे थे। कैमरामैन ब्रजेश के साथ विजेंद्र तिवारी, ईटीवी न्यूज। तो वन भूमि का तो पहले सौदा होता ही नहीं है, दूसरी बात ये
कि जिस सौदे की हम बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं जिससे क्रेता विक्रेता दोनों के फोटो चस्पा होते हैं वर्तमान समय में, साथ ही दोनों पक्षकारों को वहां उपस्थित होना जरूरी होता है। यहां पर जो दस्तावेज हमारे हाथ लगे उसमें तीन क्रेता हैं, तीन खरीदने वाले उद्योगपति हैं और बेचने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन सबसे अहम बात कि दस्तावेजों में जमीन का ब्यौरा जिसे खसरा नंबर के जरिए पहचाना जाता है सब के सब फर्जी है, नकली। यानी जमीन किसी और की, बेचने वाला कोई और खसरा नंबर किसी तीसरी जमीन का यहाँ पर रखा गया। इन सब में शासकीय विभागों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर सौदे के ऊपर बारीकी से नजर रखें। इसके लिए पर्याप्त कानून है, कठोर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन व्यवस्थाएं संभालने वाले जानबूझ कर आंखें बंद करके बैठे या फिर अपने हिस्से का पैसा पाने के बाद उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, ये सवालों के घेरे में। चलिए, मेरे सहयोगी विजेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी स्टोरी को उन्होंने कवर किया है, बारीकी से देखा है इन सौदागरों की सौदागिरी को भी और साथ ही शासकीय अफसरों की निठल्ले पर उनसे बात कर सकते हैं। विजेंद्र, जाना चाहेंगे कुल मिलाकर कितनी ऐसी फर्जी रजिस्ट्रियां पाई गई है जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ, लेकिन सोते रहे अधिकारी। पुलिस जी, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला वन भूमि का है। अभी तक जो पहले नगर में मामला सामने आया है वो 20 रजिस्ट्रियों का मामला सामने आया है। 20 रजिस्ट्रियां इस तरह से एक दिल्ली के पूंजीपति विकास जैन जो है अपने परिवार के नाम से और यहाँ 20 रजिस्ट्रियां करवाई हैं और 20 रजिस्ट्रियों में करीब 10 से 15 जो जमीन के फर्जी पट्टेदारी हैं उन्होंने वो अपनी जमीन बेची है। ये पूरा खेल जो खेला गया है, खतरा का जो जमीन का नंबर होता है उस नंबर से पूरा खेल हुआ है। जो उसमें नंबर रजिस्ट्री में बताए गए हैं वो पूरे नंबर पूरी तरह से फर्जी है और बटे जो बटे नंबरों में बटे किया गया है कि 400 और 400 बटे 400 बटे इस तरह से जो नंबरों में बटे का खेल हुआ है तो पूरी तरह से जमीन के सौदागरों का खेल है। और पुलिस जी, आपको बता दूँ कि यदि इसका खुलासा पूरी अच्छे जाँच होती है तो निश्चित तौर पर बड़े व्यापक पैमाने पर और इस इलाके में जमीन के सौदागरों का सामने आ जाएगी। ये जो 20 रजिस्ट्री होना वाकई चौंकाने वाला लगता है अपने आप में। ये एक आध रजिस्ट्री का मामला होता तो समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 20 रजिस्ट्रियां हो गई और न खरीदने वाला सामने आया और न ही बेचने वालों की जमीन की पड़ताल की गई कि आखिरकार जो खसरा नंबर है वो ठीक है नहीं। किस तरह उजागर हुआ मामला, कैसे सामने आया? दरअसल पुलिस जी, सबसे पहले जी ब्रिजेंद्र से हमारा संपर्क फिलहाल कट गया। ब्रिजेंद्र हमको बता रहे थे कि एक दो नहीं बल्कि 20 रजिस्ट्रियों का मामला है। सबसे अहम बातें जो यहाँ पर गौर करने वाली हैं वो यही है कि पहली बात, आम भूमि का सौदा नहीं है, ये वन भूमि का हम जिक्र कर रहे हैं। वन भूमि को लेकर वैसे ही कितने कड़े नियम हैं, इनका सौदा नहीं किया जा सकता। दूसरी अहम बात ये कि जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं उसके सामने उपस्थित हुए बिना जी जो 20 रजिस्ट्रियां कर दी गई उसकी कोई खबर प्रशासन को आखिरकार कैसे नहीं लगी और जिन अधिकारियों की जवाबदारी होती है रजिस्ट्री को संपन्न कराना, इस पूरी कार्यवाही को संपादित कराना, कैसे आते मुद्दे बैठे रहे। दूसरी बात ये कि जिन 20 लोगों ने अपनी जमीनों को बेचने का काम किया उनके खसरा नंबरों की जाँच जो बाकायदा नियमों में शामिल है वो क्यों नहीं की गई। बहुत सारे लोग इसमें शामिल है लेकिन संदेह के दायरे में ये पूरा एक्शन आता है, पूरी कार्यवाही आती है कि कैसे रजिस्ट्री आखिरकार संपन्न हो पाए। चलिए, सरकारी जमीन और खेल करोड़ों का इस पूरे मामले को अंजाम दिया उन दलालों ने जिनका इस मामले में कहीं दूर दूर तक नाम है। गढ़ पर की सीमा से लगे डोंगरी टोला, करोड़ा टोला और तिजोरी, यही वो तीन गांव हैं जहां के निवासियों के नाम से जमीन के फर्जी पट्टे बनाए गए। ग्रामीणों की माने तो दलाल इस इलाके में काफी दिनों से सक्रिय थे, जो बारीकी से जमीनों की खोजबीन किया करते थे। विभाग की जमीन है और यहाँ बाहर की गाड़ियाँ आती है और लोग सब निवास की गाड़ी में आते हैं, आकर बिकते हैं जमीन के रास्ते, अब देखते हैं अब देख करके चले जाते हैं, अब जाते हैं उसके बाद विभाग में हमको पता चला कि इंडस्ट्री जानने के लिए यहाँ ये लोग आते हैं। पहले तो गांव के लोगों को मामला समझ नहीं आया, उन्हें लगा कि हो सकता है कोई उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने की तैयारी में, लेकिन जब शिकायत हुई तो लोगों ने रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर बाकायदा फर्जी रजिस्ट्री की संभावना का आवेदन दिया। लेकिन शायद ये मामला कहें कि स्वार्थी बाबुओं की फेंक चढ़ गया। इस संबंध में हमने एक आवेदन पत्र वहाँ दिया रजिस्ट्रार ऑफिस में,
कि अगर इस इन क्षेत्रों की जमीनों की बिक्री हेतु हो जाता है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, बिना जांच के इस क्षेत्र की रजिस्ट्री न की जाए। रजिस्ट्री करने में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई उससे साफ तौर पर अधिकारियों के गोरख धंधे में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों पक्षों का सामने होना जरूरी है। लेकिन फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि रजिस्ट्रार महोदय इसे सही नहीं मानते और तो शिकायत के बाद भी रजिस्ट्री करना उन्होंने अपनी कानूनी मजबूरी बताया। भाई हमारे पास जो आएगा उस आधार पर ही हम लगेंगे। पहले से संकट आयु कर दी जाए, पहले से उसमें रजिस्ट्री लेके आना था आपको। मान लीजिए उसमें क्या बताए कि यहाँ पे सभी रजिस्ट्री, हमने आपसे नहीं कहा कि हम रजिस्ट्री नहीं रोकते। वैसे पूरे मामले में जमीन का पट्टा बनाने से लेकर रजिस्ट्री के लिए एनओसी जारी करने तक इन्हीं के हस्ताक्षर, लेकिन दिया गया कि इन्हें जानकारी नहीं थी, इनकी कानूनी मजबूरी थी और जाने क्या क्या है इनके पास बताने के लिए। विजेंद्र तिवारी, ईटीवी न्यूज, उमरिया। कई तरह 20 सौदे हो गए और अधिकारियों को इस बारे में पता ही नहीं चला। उनका साफ तौर पर ये कहना पूछे जाने पर कि भले ही शिकायत दर्ज कराई गई हो, भले ही संदेह जाहिर किया गया हो, पहले से आगाह किया गया हो, लेकिन वाहरा ये वाहरे पूरा तंत्र की कहीं ना कहीं चुपचाप खामोश बैठा सब कुछ देखता रहा। उनका कहना था कि उनके पास जो कागजात लेकर आएगा उसकी रजिस्ट्री करना उनके दायरे में आता है, मजबूरी है उनकी, इमरजेंसी करें। लेकिन साथ ही नियम भी है कि कड़ाई से आप खसरे नंबर की जांच करें, खरीदने और बेचने दोनों वाले की फोटो होती है और साथ ही दोनों का वहां उपस्थित होना जरूरी होता। इन नियमों की अनदेखिया क्यों कर की गई, इस बारे में कोई जवाब इन्हीं अधिकारी के पास नहीं। कौन कौन शामिल था इस पूरे गोरख धंधे बताएंगे आपको छोटे से देख लगा। अच्छा काम।